ये कहानी जेक के बारे में है जो कि पेंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है। ये अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है जिसमें इसकी वाइफ और बच्चे हैं। ये बताता है कि मेरे अपने बच्चों के अलावा मैंने दो बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें एक मेरी ही पुरानी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई, और एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले इंसान इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे जहां पे मैं अभी रह रहा हूं। लेकिन जब वो वापस जमीन की तरफ चले गए तो ये बच्चा इधर ही रह गया। तब से ये मेरे साथ ही रहता है। ये सब बच्चे आपस में बहुत खेलते और एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं। जेक अपने सब बच्चों को सब सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सब बड़े छोटे खुश तो होते हैं, लेकिन एक रात जेक और उसकी वाइफ आसमान में चमकता हुआ एक सफेद तारा देखते हैं। तो जैसे ही करीब आता है तो पता चलता है कि ये तो इंसानों की स्पेसशिप है, तो एक बार फिर से इनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रही है। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे, और इनकी बहुत बड़ी गाड़ियां भी थी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही होती हैं। जबकि जेक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देख के रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। पता नहीं इंसान कब इंसान बनेंगे। खैर, अब लैब को दिखाया जाता है जहां एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल जेक और उसकी फैमिली जैसी शक्ल का लग रहा था, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कॉलोनल हैं, यानी कर्नल हैं, और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है जिस वजह से आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकेंगे। आप दिखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लगेंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह बहुत से इंसानों को ऐसी बॉडी दे दी जाती है जो कि हम इन कर्नल के आसपास खड़े लोगों में देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ जेक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। ये लोग खुद उड़ने वाले क्रिएचर्स पर थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने के बाद उनका सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस होने वाले नुकसान का पता चलता है तो वो जेक को मारने का प्लान करता है, क्योंकि जेक ही है जो नावी लोगों का लीडर है। बेसिकली जेक और उस जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये सभी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक भी किया था। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती है कि हमने जब भी जेक के जंगल में अपने जहाज भेजे तो उनके उड़ने वाले क्रिएचर्स ने हमेशा उनको तबाह किया। तुम ही हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। तो कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है जहाँ पर जेक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता देख कर अपने फादर को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में जेक की वाइफ वहाँ पर पहुँच कर एक इंसान के सर से तीर आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेक की वाइफ अपनी बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके उस बेटे को उठा के अपने साथ ले जाता है जो इंसानी शक्ल वाला बच्चा था, जिसको इन्होंने अडॉप्ट भी किया हुआ था। जेक की वाइफ अपने बच्चे को लेके परेशान ही थी कि जेक कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि मैं यहां का लीडर हूं और वो कर्नल मेरे पीछे है, क्योंकि जब पहले इंसान यहां आए थे तब मैंने ही कर्नल को मारा था। क्योंकि वो नीले जिस या एवाटार में जिंदा होकर दोबारा आया है तो वो मुझे मारना चाहता है। मैं, तुम और हमारी मुकम्मल फैमिली यहां से चली गई तो हम अपने कबीले के बाकी लोगों की जान बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा जल्द ही हमारी लोकेशन बता देगा कि हम कहां रहते हैं और इंसान यहां तक पहुंच जाएंगे। जेक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार मान जाती है। कि दूसरी तरफ इंसान जेक के बच्चे पर जुल्म कर उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल आकर उनको रोकते हैं और कहते हैं कि ये इंसान है तो इसे हम इंसानों की तरह बात करेंगे। ये उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बताता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ, और आखिरी बार जब मैं दुनिया में आया था तो मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ छोड़ के गया था, क्योंकि मैं साथ तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास है और मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। जिस पर वो मासूम बच्चा मान जाता है कि ठीक है, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। जबकि दूसरी तरफ जेक और उसकी फैमिली अपने कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठ के यहां से बहुत दूर चले जाते हैं, कम से कम कहीं रहने को नया ठिकाना मिले और वो वहां पे रह सके। ये लोग पानी के पास रहने वाले नाविस के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं तो इसी प्लेनेट के, लेकिन दिखने में सब्ज रंग के होते हैं। ये पानी वाले नावी शुरू में इनका मजाक बनाते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि इनकी दुम पतली है, इनके बाजू पतले हैं और भी बहुत कुछ। तभी पानी वाले लोगों का लीडर आता है और कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारी यहां पानी के पास कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सर्वाइव करना है। लेकिन जेक जवाब में कहता है कि हम बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे और मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोग
लोगों की जरूरत है ताकि वो यहाँ पर सही सलामत जिंदा रह सके। ये देख के पानी का नावी लीडर मान जाता है और उनको रहने की इजाजत भी दे देता है। अगले दिन जेक के बच्चों को वहाँ के रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं, जबकि जेक का बेटा अपने बालों वाली चुटिया वहाँ के एक क्रिएचर से जोड़ता है तो वो बहुत तेजी से पानी के अंदर तैरता है, जिस वजह से गिर जाता है और वहाँ के सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जेक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, इसके अलावा उससे बदतमीजी भी करते हैं, उसको काफी तंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं, तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा। जब जेक को ये सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटने लगता है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ तुम उससे माफी मांगो। वो जब जाकर माफी मांगता है तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में था और वो उसको धोखा देना चाहता था, बदला लेना चाहता था। कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेके जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। वो उसको वहाँ पर जाकर अकेला छोड़ देता है और खुद वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से तेज मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है और लगातार मॉन्स्टर उस पर अटैक कर उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं, तभी वहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डाल के पत्थर पर जोर का मारता है और उसको वहीं मार डालता है। इतनी ही देर में जेक का बेटा पानी में मजीद सांस नहीं ले पाता और डूब जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सबसे बड़े पानी के मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। ये लड़का देखता है कि वो मॉन्स्टर बेचारा काफी जख्मी भी है तो ये उसके जिस्म से कुछ लगे हुए हथियार निकाल कर उसको सुकून देता है, जिससे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर इस लड़के को उसके घर वालों के पास छोड़ के आता है। जब सब्स कबीले वाले नावी लीडर को ये पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझ के हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा, तो वो उसको सजा देने लगता है। लेकिन जेक का बेटा कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था गहरे पानी में जाने का, मैंने ही कहा था कि हम वहाँ चलते हैं। इसे देख के लीडर के बेटे को शर्मिंदगी होती है कि इसने मुझे बचा लिया, ना कि मैंने गलत किया था, मैं तो उसको मारना चाहता था। इसी चीज को देखते हुए वो अब दिल से इनका अच्छा दोस्त बन जाता है। जेक का वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, पर सब दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं करता। अगले दिन ये दोबारा उसी बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और जाके बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। वो दोनों आपस में बहुत खेलते हैं, जबकि कर्नल जेक की तलाश में अब तक फिर रहा था कि तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जेक अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मजीद ढूंढना पड़ रहा था। कर्नल ने वहाँ के उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स पर अपना कंट्रोल भी कर लिया था, जैसे कि वहाँ के रहने वाले लोकल नावी लोग उन क्रिएचर्स को इस्तेमाल किया करते थे। तब इंसान जेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक जजीरे यानी आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहाँ के लोग कहते हैं कि हमने कभी नहीं देखा जिसकी तस्वीर तुम हमें दिखा रहे हो। कर्नल को इन सब की बातें झूठ लग रही होती हैं, तो वो इन लोगों के एक क्रिएचर को मरवा डालता है। कर्नल का बेटा उसे समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, इन्हें छोड़ दो, ये कुछ नहीं जानते। तो कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन जालिम इंसान फिर भी जाते हुए वहाँ आग लगवा कर उनके रहने की जगह को जलवा देता है। इस तरह और भी जगहों पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लगता है। सबसे बहुत कुछ पूछता है, लेकिन इस वक्त तक उसको जेक का पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर गया। इसी तरह ये सब इंसान पानी वाले एक क्रिएचर को देखते हैं, उस पर भी लोहे की बनी हुई चेन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन से भी अटैक करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर इंसानों पर हमला ही नहीं कर पाता, इंसान इसको बड़े आराम से पकड़ सके। वो बेचारा मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, जिसने इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था, और आखिरकार वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा सा बच्चा इर्द गिर्द घूमकर उसको आवाजें दे रहा होता है और इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी में तालियां बजा रहे थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। ये सब देखकर कर्नल का बेटा काफी तकलीफ में होता है, क्योंकि उसको इन सब जानवरों की फिक्र थी और वो इस होने वाले जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। इंसान उस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में सुराख करते हैं, जिसके अंदर से एक पीले रंग का लिक्विड निकलता है, जो कि एक ऐसा पानी है कि जो भी पिएगा उसकी उम्र बहुत कम स्पीड से बढ़ेगी, यानी उसको जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे और वो जल्दी नहीं मरा करेगा। और इस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलर्स में है, इसको ये मार्केट में बेच के बहुत पैसा कमाने वाले हैं। अगले दिन मरने वाले मॉन्स्टर क्रिएचर को तब नावी लोग देख लेते हैं, इसके बाद जेक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान इधर तक पहुंच गए और अब वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं और बहुत जल्द हमें भी, इसलिए जो भी हुआ सो हुआ। ग्रीन नावी लीडर कहता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे,
उसके कुछ देर बाद ही जेक का बेटा सबसे बड़े मॉन्स्टर से एक बार फिर मिलने जाता है और देखता है कि उसके ऊपर एक एंकर जैसी डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वहीं रोका हुआ था और वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मॉन्स्टर्स को मारने का इरादा रखते हैं। और इस बार बारी है जेक के बेटे के बड़े मॉन्स्टर की, जो साइज में भी बहुत बड़ा है और उसमें से लिक्विड भी बहुत ज्यादा निकल सकता है, इसलिए इंसान अब इस मॉन्स्टर को मारना चाह रहे हैं। बेटा और बाकी भी उसके पास होते हैं जबकि इंसान इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी इन बच्चों को वहां दूरबीन से देख लेता है। जेक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं और वो अपने हथियार उठाकर उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से बच्चे बड़े मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर वहां से आगे तैर कर निकल जाता है और बिल आखिर उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है तो जेक का बेटा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बच्चों को बड़ा सा जाल डालकर पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर तक बच्चों के पेरेंट्स भी यहां आ जाते हैं, यानी कि जैक वहीं रुककर देखता है कि उनके बच्चों को शिप के आगे कर्नल ने बांधा हुआ है। कर्नल कहता है कि अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर तुम सिर्फ अकेले आओगे। तो जेक सबकी बेहतरी के लिए अकेले जाने का फैसला करता है। तभी जेक के बेटे का सबसे बड़ा क्रिएचर दोस्त पानी के नीचे से एकदम से ऊपर आकर इनकी शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथों और दुम से वहां खड़े इंसानों को मारने लगता है और हर चीज तबाह कर रहा होता है। ये देख के जेक और लीडर के लोगों को भी मौका मिल जाता है कि वो इंसानों पर हमला कर दें और वो सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसानों और इन सब नावी लोगों के दरमियान काफी लड़ाई हो रही होती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ नावी लोग भी, और वो पानी वाला क्रिएचर इंसानों की एक छोटी शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उसको लोहे की रस्सी से इनको दबाकर मार देता है। जेक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आके उनको वहां से छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने अडॉप्टेड इंसानी भाई को भी ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन उसी दौरान जेक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ यह सब देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जेक के दो बच्चे फिर से कर्नल ने पकड़ लिए होते हैं और वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जेक इनको बचाने आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जेक वहां बड़ी खामोशी से आकर धमाका करता है जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है। बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं। उसकी वाइफ भी बहुत से इंसानों को अपने तीर से हमेशा के लिए खत्म कर देती है और एक इंसान को गुस्से वाली आंखें दिखाते हुए मार डालती है, क्योंकि अभी अभी उसने अपना बेटा खोया था। उसकी आंखों में दर्द था। मौका देखते हुए कर्नल जेक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख के उन सबको हथियार डालने का कहता है। लेकिन उसी दौरान जेक की वाइफ वहां आकर कर्नल के ही बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। अब फाइनली कर्नल और जेक की आपस में हैंड टू हैंड लड़ाई होती है, जिसमें बहुत मुश्किलों के बाद जेक कर्नल का गला अपने हाथों में दबा कर उसे मार देता है और आखिरकार ये जालिम कर्नल पानी में डूबने लगता है। लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचा कर पानी के ऊपर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान जो बचाई थी जब जेक की वाइफ ने उस पर चाकू रखा हुआ था। जब कर्नल कहता है कि बेटा मेरे साथ आओ तो वो उस पर गुस्सा कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, यानी कि जेक के पास, और इसको देखकर जेक की फैमिली भी बहुत खुश होती है और उसको पहले की तरह ही प्यार करती है। फिर में जेक अपने मरने वाले बेटे को पानी के अंदर दफना देता है और उस वक्त उसको सब पुराना याद आ रहा था कि मेरा बेटा जो आज मरा है उसको मैंने कैसे अपने हाथों में उठाया था जब वो पैदा हुआ था और आज अपने ही हाथों से दफन भी कर रहा हूँ। और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।